विद्या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है और विद्या प्राप्त करने के लिए हर कोई विद्यालय जाता है। आज भारतवर्ष में कई नामचीन विद्यालय पाए जाते हैं, लेकिन उनमें केंद्रीय विद्यालयों का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के टॉप 10 केंद्रीय विद्यालयों की। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। नंबर 10, केवी नंबर 1। इस केंद्रीय विद्यालय को भारतवर्ष का शीर्ष 10वें नंबर का विद्यालय माना जाता है। ये विद्यालय 1963 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना नवल बेस कोची में की गई थी। ये विद्यालय एक CBSE बोर्ड संचालित विद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी प्रदान की जाती है। इसकी लाइब्रेरी में कई किताबों का कलेक्शन भी मौजूद है। शिक्षा के क्षेत्र में इसे शिक्षा का दीपक कहना गलत नहीं होगा। नंबर 9, KVIIT कानपुर। ये विद्यालय 1965 में स्थापित किया गया था। ये IIT कानपुर की ही यूनिट माना जाता है। इस विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ कुल 7 क्लासों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। सभी क्लासों में 5 सेक्शन भी बनाए जाते हैं। यहाँ कक्षा 1 से 5 तक ऑप्शनल विंग में भी पढ़ाई होती है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम केंद्रीय विद्यालय माना जाता है। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक शिक्षा के लिए ये मशहूर है। नंबर 8, केंद्रीय विद्यालय कैड्रोनगर। भारत के 8वें नंबर के इस केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जाती है। ये उच्च शिक्षा का एक बेहतरीन विद्यालय माना जाता है। ये विद्यालय CBSE के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 36 क्लासरूम में बैठने की सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ विज्ञान की सभी शाखाओं की प्रमुख लैब उपस्थित है। यहाँ पर लाइब्रेरी, म्यूजिक, मेडिकल रूम तथा ऑडियो विजुअल रूम के साथ सपोर्ट रूम भी उपलब्ध है। ये विद्यालय अपने जिम्नेशियम, बड़े प्लेग्राउंड तथा CCTV फैसिलिटीज के लिए भी जाना जाता है। नंबर 7, केंद्रीय विद्यालय पूरा नट्टुकारा। ये विद्यालय त्रिचुर में स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना सन 1985 में की गई थी। ये विद्यालय प्राइमरी, सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में शिक्षा प्रदान करता है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की सभी क्लासों में शिक्षा प्रदान की जाती है। ये CBSE न्यू दिल्ली बोर्ड के द्वारा संचालित विद्यालय है। इसे भारत का शीर्ष 7वें नंबर का विद्यालय माना जाता है। नंबर 6, केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम। ये विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु में स्थित है। इस विद्यालय की क्षमता भी काफी अच्छी है। यहाँ कार्य करने वाले स्टाफ की संख्या 60 है। ये विद्यालय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तथा बढ़िया शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कक्षा 1 से 10 तक 3 सेक्शन में शिक्षा प्रदान की जाती है। ये विद्यालय भौतिक, रसायन, बायो, कंप्यूटर, मैथ, हिंदी व संस्कृत को एक सेक्शन में तथा कॉमर्स स्ट्रीम के सेक्शन व एक साइंस सेक्शन में भी शिक्षा प्रदान करता है। ये सीनियर सेकेंडरी स्तर पर भी कई विषयों में शिक्षा देता है। नंबर 5, केंद्रीय विद्यालय तंबाराम। ये विद्यालय भारत का शीर्ष 5वें नंबर का विद्यालय माना जाता है। ये विद्यालय चेन्नई के तंबाराम में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इस विद्यालय में कक्षा 10 तक 4 सेक्शन में शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ कक्षा 10वीं और 12वीं में विज्ञान के लिए 2 एरिया डिवाइड किए गए हैं। इसमें एक सेक्शन कॉमर्स स्ट्रीम का कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए बनाया गया है। इस विद्यालय में 2000 विद्यार्थियों को पढ़ाने की सुविधा दी जाती है। नंबर 4, केंद्रीय विद्यालय NMR JNU कैंपस। ये विद्यालय अपनी बेहतरीन शिक्षा के लिए भारत के 4थे शीर्ष विद्यालय के रूप में देखा जा सकता है। ये दिल्ली में स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना 1972 में की गई थी। इस विद्यालय को एक केंद्र शासित केंद्रीय विद्यालय के तौर पर देखा जा सकता है, जो कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्रदान करता है। इसकी 4 ब्रांच उपलब्ध है। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक प्रत्येक क्लास में 8 सेक्शन पाए जाते हैं।
नंबर 3 केंद्रीय विद्यालय आईआईटी मद्रास। ये भारत का शीर्ष तीसरे स्थान का केंद्रीय विद्यालय है। ये विद्यालय चेन्नई में स्थित है। इस विद्यालय को आईआईटी ने 1964 में स्थापित किया था। ये विद्यालय उत्तम शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ बेहतरीन शिक्षा और मेंटेनेंस की व्यवस्था के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर कक्षा 1 से 12वीं तक विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ काम करने वाले स्टाफ की संख्या 61 है। इस विद्यालय में 1500 के आसपास विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। नंबर 2 केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पवई। ये विद्यालय भी आईआईटी द्वारा संचालित एक विद्यालय माना जाता है, जो कि मुंबई के पवई में स्थित है। ये विद्यालय बोर्ड परीक्षाओं का भी संचालन करता है। इस विद्यालय में एक बड़ा प्लेग्राउंड स्थित है, साथ ही यहाँ ओपन क्लासरूम तथा रिसर्च सेंटर भी पाए जाते हैं। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी म्यूजिक रूम, पीसी रूम, असेंबली रूम तथा लाइब्रेरी जैसी उच्च आधुनिक सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय के बारे में। दोस्तों, ये विद्यालय पट्टन के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि केरल की राजधानी मानी जाती है। ये एक सरकारी विद्यालय है। इसे बेस्ट गवर्नमेंट डे स्कूल का अवार्ड 3 बार दिया जा चुका है। इस विद्यालय को यह अवार्ड 2015, 2016 तथा 2017 में दिया गया था। ये भारत के शिक्षा संसार का सबसे सफल केंद्रीय विद्यालय भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने अनमोल सुझाव लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने की सीरीज से जुड़ जाएं। धन्यवाद।